हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू रिकॉग्निशन IAS। कई सारी क्वेरीज आ रही थी कि कैसे हम अपने मार्क्स को और बढ़ा सकते हैं, कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। हालांकि इन्हेंस करने के लिए तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं। उस ऑप्शन में एक और ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट मेकिंग। हालांकि ये आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ में करनी चाहिए, ऐसा नहीं केवल ज्योग्राफी ऑप्शनल, हर एक सब्जेक्ट में आपको करना चाहिए। यू शुड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। शॉर्ट नोट में क्या चीज़ें हैं, कैसे बनाना चाहिए और किस तरीके से हम इस शॉर्ट नोट की मैपिंग और ज़्यादा इफ़िशियंट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हमारे इस सेशन में। सबसे पहले देखते हैं आखिर में शॉर्ट नोट मेकिंग के लिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। जो हमारा शॉर्ट नोट होना चाहिए वो टॉपिक वाइज होना चाहिए। टॉपिक वाइज का मतलब, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पर कई सारे टॉपिक्स दिए रहते हैं, उन टॉपिक को आप उठाइए एक एक करके और दूसरे टॉपिक के साथ में लिंक करते रहिए। पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर में डिफरेंस क्या है एक नोट्स और शॉर्ट नोट्स में। जब हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर उस टॉपिक के बारे में ही सिर्फ लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप जियोमॉर्फोलॉजी देख रहे हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी में केवल और केवल जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं केवल उसी को ही लिखा जाता है। लेकिन जब आप शॉर्ट नोट मेकिंग करेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी में आप केवल जियोमॉर्फोलॉजी ही नहीं लिखेंगे बल्कि इससे रिलेटेड अगर कोई कंट्रीब्यूशन, जैसे पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हमें ज्योग्राफर के नाम मिलते हैं जिन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस दी हैं। एग्जांपल के तौर पर देख लिया जाए कि जो चाइना की जो लोएस्ट फील्ड है उसको रिस्थोफेन ने जैसे कि अपना कंट्रीब्यूशन में दिया था, तो उन सारी चीज़ों को भी आप लेकर के आइए, इंटीग्रेट करिए अपने शॉर्ट नोट्स में। हालांकि ये टॉपिक था जियोमॉर्फोलॉजी बट आपने लिखा पर्सपेक्टिव। सिमिलरली इसी तरीके से जब आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के आएंगे तो आपको अलग अलग जो टॉपिक्स आएंगे उसके साथ में लिंकिंग करनी होगी। जियोमॉर्फोलॉजी में आप ह्यूमन ज्योग्राफी लेकर के आएंगे एंड सिमिलरली इसी तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक में आप फिजिकल ज्योग्राफी के भी कंसेप्ट्स को लेकर के आएंगे। तो जो आपका टॉपिक होना चाहिए शॉर्ट नोट बनाने में, इट शुड लिंक डिफरेंट अदर डिमेंशंस एंड डिफरेंट अदर टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी। जहां से भी लिंकेज बैठ रही है, चाहे वो मॉडल्स से हो, चाहे वो आपकी थ्योरी से हो, चाहे वो आपका लिटरेचर पार्ट हो या फिर कोई टेक्निकलिटी हो, उन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के लिखेंगे। इससे होगा ये कि आप कम समय में ज़्यादा अच्छा रिवीजन कर सकेंगे। एग्जाम में होता क्या है, एक तो लिमिटेशन ऑफ टाइम होती है, टेरिफाइड इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर आप पढ़े हुए चीज़ों को भी भूल जाते हैं। और कई बार क्या होता है, लिखने के बाद एग्ज़ाम के बाद ध्यान आता है कि यार इस वाले पॉइंट में हम ये भी डाल सकते थे। तो इस तरीके की कंडीशन से बचने के लिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करने के लिए आप यही शॉर्ट नोट बना सकते हैं और वो टॉपिक वाइज रहेगा। जब टॉपिक वाइज रहेगा तो वहाँ पर चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी भी रहेगी एंड इट वुड बी वेरी इजी टू रिकॉल द कंसेप्ट्स। हर चीज़ को नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, आप केवल शॉर्ट नोट में कीवर्ड्स को लिखिए। कीवर्ड में जैसे कि मान लेते हैं सपोज डिटर्मिनिज्म है, तो आप डिटर्मिनिज्म को एलैबोरेट नहीं करेंगे कि मैन एनवायरमेंट रिलेशन, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो डोमिनेट कर रहा है, नेचर की डोमिनेशन देखने को मिलती है, ये सब नहीं। डिटर्मिनिज्म इज डिटर्मिनिज्म, एट मैक्स यू कैन राइट मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन। और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे, जो थ्योरीज होंगी, उनको आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर केवल और केवल कंसाइज फॉर्मेट में कीवर्ड्स और जो रिलेवेंट टॉपिक्स और थ्योरीज है केवल उन्हीं को ही आप लिखिए। जो आपका शॉर्ट नोट होना चाहिए बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्रिस्पी और कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज होनी चाहिए डिफरेंट अदर टॉपिक्स के साथ में। जैसे मान लेते हैं सपोज पूरी ज्योग्राफी, इफ यू हैव द नोट्स देन मान लेते हैं 400 टू 500 पेजेस के अगर आपके नोट्स हैं तो आपकी जो शॉर्ट नोट होनी चाहिए वो 50 to 60 पेजेस की ही होनी चाहिए। और ये दोनों पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर वन एंड पेपर टू, यानी आप बोल सकते हैं 30 पेजेस की यू कैन हैव वन पेपर, 30 पेज फॉर पेपर वन एंड सिमिलरली 30 पेज फॉर पेपर नंबर टू। तो ये हमेशा बहुत लिमिटेड होना चाहिए, देख करके कभी उलझन नहीं लगनी चाहिए कि मुझे 400 पेज नोट्स रिवाइज करने हैं। 50 पेज, 30 पेज रिवीजन करने में भी आपको बड़ा सहूलियत रहेगा, आसानी लगेगी, यार ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी इजी टू रिवाइज। तो ये काम आपको करना होगा शॉर्ट नोट्स मेकिंग में, हमेशा लिमिटेड चीजों को ही केवल और केवल लिखना है। बाकी हम लोगों ने तो ये बात कर ही लिया कि जो चैप्टर वाइज हमारे टॉपिक्स हैं उनको डिफरेंट अदर टॉपिक्स के साथ में लिंक करके, मॉडल्स के साथ लिंक करके हमें शॉर्ट नोट में करना चाहिए। ये तो सारी बातें हो गई, अब जरा हम लोग देखते हैं कि आखिर में बनाना कैसे चाहिए। तो एक टॉपिक को उठाएंगे और उसके शॉर्ट नोट मेकिंग करेंगे, इससे आपको एक आइडिया लगेगा
लिखना कैसे है, शॉर्ट नोट बनाना कैसे है। तो यहाँ पर टॉपिक जो लिया गया है वो एक कल्चरल रियलम का टॉपिक ले लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को बरकरार रखते हुए ही लिया गया है शॉर्ट नोट बनाने के लिए, ताकि एक बेटर आइडिया लगेगा। बाकी आप इसी तरीके से बना सकते हैं, जहाँ डाउट होगा वो आप पूछ भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कल्चरल रियल में, तो सबसे पहले कल्चर जो होती है वो एक रीजनल कंसेप्ट है, तो हमें बताना होगा डेफिनेशन ऑफ रीजन के बारे में कि आखिर में रीजन का मतलब क्या होता है। उससे रिलेटेड ज्योग्राफर्स एंड उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर होमर, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, हेकेटियस, और अगर मान लेते हैं इनकी बुक का भी नाम याद है तो और बढ़िया हो जाएगा। जैसे हेकेटियस की बुक का नाम था जेस्पेरिडोस, रेडजेल, इन्होंने कल्चरल लैंडस्केप एंथ्रोपोजोग्राफी अपनी बुक लिखी थी। हेटनर के बारे में हो गया, हार्टशोन, ऑटो स्लूटर, कार्ल सावर, इन लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए कि दीज ऑल आर रिलेटेड विद कल्चरल रियल्म और द कंसेप्ट ऑफ कल्चर। फिर आप लिख सकते हैं इसमें कल्चरल लैंडस्केप के बारे में, द कल्चरल लैंडस्केप कंसेप्ट वॉज गिवन बाई रेडजेल, और जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ऑब्वियसली लिखने की जरूरत नहीं है, यू विल बी हैविंग द आइडिया ऑफ रेडजेल। इसके अलावा जो विडाल डेला ब्लास का भी आइडिया था वो भी कुछ इसी तरीके के कल्चरल लैंडस्केप से रिलेटेड था, जहां पर एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को रिप्लेस कर रही थी, एंड द फॉर्मर ट्राइब जो आने वाली ट्राइब है बेसिकली वो कल्चर्स को अडॉप्ट कर रही थी जो इससे पहले के वहां पर ट्राइब रह रही थी। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए जो कल्चर का इवोल्यूशन है वो बेसिकली तीन स्टेजेस में हुआ है, सैवेजर, बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन। और इसी तरीके से हमारे कल्चरल इवोल्यूशन के दौरान में कई सारे कल्चरल हेयर्थ भी बने हैं। ये कल्चरल हेयर्थ में जैसे नाइल रिवर हो गई, इंडस रिवर की हो गई, वैंग हुएंग रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, मेसोपोटामियन, मीजो अमेरिका एंड वेस्ट अफ्रीका की रिवर्स हो गई। तो बेसिकली ये जो हमारा कल्चरल हेयर्थ है, दिस इज द अर्ली सिविलाइजेशन, और यू कैन से इट वुड बी इवोल्यूशन ऑफ कल्चरल रियल्म, जहां पर आप धीरे धीरे कल्चर के डेवलपमेंट के बाद कल्चरल रियल्म के डेवलपमेंट की एक कल्पना करते हैं, एक आइडिया बनाते हैं। अब ये तो हो गया इसका बेसिक बैकग्राउंड, अब हमारे पास होना चाहिए आखिर में किसने क्लासिफिकेशन दिया है। सो ब्रुक एंड वेब ने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी, और यहां पर इन्होंने 8 वेरिएबल्स लिए थे फॉर द कल्चरल रीजनलाइजेशन। 8 पॉइंट में रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, इकोनॉमिक यूनियनिज्म, फोक, हैबिट और डाइट, ड्रेस, ऑर्थोडॉक्स बिलीफ या फिर साइंटिफिक बिलीफ। हालांकि इसको लेकर के आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो आंसर में करिएगा, यहां पर करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर चीजें पता है कि क्या क्या होंगी। अब बेस्ड ऑन दीज 8 वेरिएबल्स ब्रुक्स एंड वेव ही हैज क्लासिफाइड कल्चरल रियल्म इन टू मेजर एंड माइनर कल्चरल रियल्म्स। जो हमारे मेजर कल्चरल रियल्म है उसमें आ जाता है ऑक्सीडेंटल, इस्लामिक, इंडियन एंड ईस्ट इंडियन, एंड सिमिलरली इसी तरीके से माइनर के बारे में आ जाता है माइनर कल्चरल रियल्म में साउथ ईस्ट एशियन रियल्म एंड मीजो अफ्रीकन और नेग्रो अफ्रीकन। आप चाहें तो यहां पर एक वर्ल्ड मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आखिर में जो कल्चरल रियल्म्स है, मेजर हो चाहे माइनर हो, कहां कहां पर उनका स्प्रेड देखने को हमें मिलता है। तो ये स्प्रेड के बारे में आप बता दीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि कहां पर चीजें हुई हैं। इसके अलावा आप दिखाइए कि आखिर में इंडिया में ये जो कल्चरल रियल्म्स है वो कैसे बने, इंडिया के जो कल्चरल रीजन्स है उनके बारे में आप दिखा सकते हैं। जैसे मेनली 4 मिलते हैं, एक है वेस्ट हिमालयन कल्चर, जहां पर लद्दाखी बुद्धिस्ट कल्चर, कश्मीरी कल्चर, किन्नौरी कल्चर एटसेट्रा। ईस्ट हिमालयन में इसी तरीके से सिक्किम और अरुणाचल का बुद्धिस्ट कल्चर, ग्रेट नागा कल्चर एंड अदर एथनिक ट्राइबल कल्चर। आर्यन कल्चर में ईस्टर्न हिंदी कल्चर और वेस्टर्न हिंदी कल्चर मिल जाता है, दोनों में हालांकि सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज दोनों है। डिससिमिलैरिटीज है इसीलिए अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, सिमिलैरिटी इसीलिए इसके अंडर 1 हेडिंग रखा गया है, दैट इज आर्यन कल्चर। सिमिलरली इसी तरीके से द्रविड़ियन कल्चर के बारे में आप बता सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। तो ये पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया कल्चरल रियल्म को लेकर के, कि अगर एक टॉपिक आपका आता है सपोज जैसे कल्चरल रियल्म, तो आप कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर इंटरलिंकिंग विद द मॉडल एंड थ्योरीज, ब्रुक एंड वेव, और इसी तरीके से द पर्सपेक्टिव चैप्टर, जहां पर हम लोगों ने कल्चरल लैंडस्केप एंड द बैकग्राउंड ऑफ कल्चर, बैकग्राउंड ऑफ रीजन ये उठाया है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली अपने जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो बनाने होते हैं। सो ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी शॉर्ट नोट्स बनाइए तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो इंटरलिंक हो रहे हो और एक जस्टिफाइड फॉर्मेट में एक हॉलिस्टिक आंसर निकल करके आ रहा हो। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर, यू कैन मेक योर शॉर्ट नोट्स। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जहां पर दिक्कत आएगी वहां पर बताइएगा भी, और
इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के आप लोग शॉर्ट नोट बनाते रहिए। यू कैन शेयर ऑल्सो योर शॉर्ट नोट ऑन द टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक दी जाती है। इसके अलावा जहां पर दिक्कत आएगी किसी टॉपिक में शॉर्ट नोट्स बनाने में, तो वो भी आप शेयर करिएगा, तो अकॉर्डिंगली वी विल मेक सम शॉर्ट नोट्स एंड विल शेयर द शॉर्ट नोट्स इन द सेम टेलीग्राम चैनल। बाकी इसके अलावा देयर आर दीज कोर्सेज दैट आर गोइंग ऑन, रिवीजन सीरीज एंड आंसर राइटिंग, यू कैन चेक आउट द वीडियोस। एंड बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।